और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें हौसला जरूर बढ़ाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ बने रहें। चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई है वियतनाम में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आसियान और भारत के मंत्रियों की 7वीं बैठक 18 जनवरी को हाए लॉन्ग सिटी वियतनाम में आयोजित की गई है, ठीक है, की गई थी ये। और जो अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री दोस्तों केजे अल्फोंस ने वियतनाम के संस्कृत खेल और पर्यटन मंत्री श्री गुएन के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मंत्रियों ने आसियान भारत पर्यटन सहयोग वर्ष 2019 भी शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है आसियान की, तो आसियान के बारे में आपको सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम से पूछा सकते हैं। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इस ये आप याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको बता दें कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1967 में। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 10 हैं, ठीक है, 10 हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आसियान का जो 33वां सम्मेलन है वो हुआ था सिंगापुर में, ठीक है, नवंबर में होता 2018 में सिंगापुर में। 34वां जो सम्मेलन दोस्तों समिट होगा वो थाईलैंड में होगा। तो आप सम्मेलन जरूर याद रखिएगा, साथ ही साथ लास्ट का और आगामी, ठीक है, आने वाला। तो ये 34वां होगा थाईलैंड में, इससे पहले सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। तो आप सारे याद रखिएगा आसियान का जो दोस्तों केंद्रीय सचिवालय है वो कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा 24 अगस्त 1996 को भारत आसियान का पूर्ण जो है संवाद सहभागी बना लिया गया था, ठीक है। तो इतने फैक्ट आप आसियान से रिलेटेड याद रखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आसियान के भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई है दोस्तों वियतनाम में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले 1GW लिथियम आयन बैटरी प्लांट का निर्माण करेगा? तो ये करेगा भेल और लिपक्वाइम, ठीक है, लिपक्वाइम, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन एक और दो। देखिए दोस्तों भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल और लिपक्वाइम भारत के पहले 1GW लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का निर्माण करेगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यह परियोजना प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के साथ तेल आयात की जगह ऊर्जा स्वतंत्रता लाएगी, ठीक है, और यह एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाएगा जिसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भरता और कम लागत भी निर्माण होगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे दोस्तों भेल की, तो भेल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और मैंने इसका फुल फॉर्म को बताया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये आप फैक्ट याद रखेंगे भेल से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। निर्मला सीतारमन ने डिफो नदी पर डिफो ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 18 जनवरी को रक्षा मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी जिले में डिफो नदी पर डिफो पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई है 426 मीटर, ठीक है, और इसका लागत 2011 में, इसका काम जो है 2011 में शुरू हुआ था, ठीक है। और यह पुल जो है दोस्तों पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी और लोहित घाटी क्षेत्र को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट उद्योग द्वारा किया गया था, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन ने डिफो नदी पर डिफो ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। किसने 18 जनवरी को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये दोस्तों इसरो ने, किसने? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 18 जनवरी को युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है। और यह कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन किया जाएगा।
दोस्तों उन्हें R&D प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी और एक छोटे उपग्रह के निर्माण का व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। दोस्तों इसरो की बात करें तो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान, जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। तो इतने फैक्ट आप इसरो से रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक है। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने शुरू किया है, इसरो ने। बात करेंगे नीति आयोग की, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, इसके जो वाइस चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार है, पहले इसके उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, वो थे अरविंद पनगड़िया। CEO कौन है, अमिताभ कांत है। तो इतने आप फैक्ट याद रखिएगा, योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों किसको, वी वैद्यनाथन को, ठीक है, ऑप्शन बी, बी वैद्यनाथन को। देखिए दोस्तों रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में वी वैद्यनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है, अक्टूबर 2015 में स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वैद्यनाथन कैपिटल फर्स्ट के संस्थापक अध्यक्ष थे। दोस्तों दिसंबर 2018 में IDFC बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैपिटल फर्स्ट ने अपना विलय पूरा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया PR अकील अहमद को, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों PR अकील अहमद को 18 जनवरी 2019 को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था, और संजय लीखा को इसमें जो है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, संजय लीखा को। और यह परिषद चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग का एक व्यापार समर्थन संगठन है, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है, ठीक है। तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है, PR अकील अहमद को, जबकि संजय लीखा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, अध्यक्ष PR अकील अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में कितने नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये दी है 3, ठीक है। भारत सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने की मंजूरी दी है, और 3 नए एयर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना की समग्र शक्ति में वृद्धि करेंगे। सरकार ने दोस्तों केरल और अंडमान द्वीप समूह में मौजूदा डोर्नियर सर्विलांस स्क्वाड्रन में अतिरिक्त विमानों के संचालन के लिए मानव शक्ति की भर्ती को भी मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किया गया है गुरिंदर सिंह खालसा को, ठीक है, ऑप्शन डी। देखो दोस्तों भारतीय अमेरिकी परोपकारी हैं और उद्यमी गुरिंदर सिंह खालसा को 18 जनवरी को प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें साहस और करुणा के लिए अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने दोस्तों एक अभियान शुरू किया जिसने अमेरिकी अधिकारियों को सिख समुदाय की पगड़ी के प्रति अपनी नीति को बदलने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। किस देश में 18 जनवरी 2019 को एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य क्या है, दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना, तो किया दोस्तों जापान ने, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों जापान ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करना। इस उपग्रह को दोस्तों Epsilon-4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, और टोक्यो में स्थित एक स्टार्टअप ने हिरोशिमा के ऊपर उल्कापात परीक्षण के लिए उपग्रह विकसित किया था, ठीक है। जापान कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान के PM है शिंजो आबे, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की संसद ने स्टीफन लोफवेन को दूसरे 4 साल के कार्यकाल के प्रधानमंत्री चुना है, ये चुना है स्वीडन की संसद ने, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों 18 जनवरी को स्वीडन की संसद ने प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए PM चुना है। और दोस्तों ये 70 वर्षों में स्वीडन के सबसे कमजोर प्रशासकों में से एक होगा। स्वीडन की राजधानी क्या, स्टॉकहोम है, और इसकी मुद्रा है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है, 22 से 24 जनवरी 2019 तक इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा ये कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन सी।
इंडिया स्टील भरूनीस प्रदर्शनी और सम्मेलन का चौथा संस्करण दोस्तों 22 से 24 जनवरी तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन इस्पात मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा किया जाएगा। FICCI इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका उद्देश्य उद्योग के विकास के लिए एक रोड मैप विकसित करना। इसका विषय है बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है लार्सन एंड ट्रूबो के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। ठीक है, देखिए उसे गुजरात के हजीरा में लार्सन एंड ट्रूबो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया और देश की पहली निजी सुविधा है जहाँ K9 वज्र स्वचालित होविजर तोपों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में किया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो का आया आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछा 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार इसे मिला है, यही सस्काबा को मिला था ये। अब देख लेते हैं आज का सवाल हमारा क्या है, कौन सी पहलवान को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी जस्ट यहाँ पर प्ले को जरूर देख ले दोस्तों। और दोस्तों आप डेली मॉर्निंग में 15 मिनट का समय निकाला करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।